वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल माई सेकेंड पर्पल शॉपिंग हॉल। नाउ दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और दिस इज नॉट एनी पीआर प्रोडक्ट्स। मिलता तो बहुत अच्छा होता बट मुझे नहीं मिलता है पर्पल से कोई भी प्रोडक्ट्स। तो मैंने कुछ बहुत परचेज किया है क्योंकि मुझे रिव्यू शेयर करना था आप लोगों के साथ। दैट्स वाई आई जस्ट बॉट ऑल दीज आइटम्स। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगा एंड आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होगा और आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देखने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है एंड दिस इज नन अदर देन हिमालया नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश। जी हाँ, आई होप आप इस प्रोडक्ट से तो फैमिलियर होंगे ही। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद होता था ये फेस वॉश बट अभी क्योंकि मार्केट पे बहुत ज़्यादा और भी ब्रांड्स आ चुका है तो इसकी वजह से मैं इसको टोटली भूल गई थी। बट मैंने इसको परचेज किया वंस अगेन क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाना है जो नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा, उसके लिए आपको ज़रूर वेट करना होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने पहले यूज़ ज़रूर किया है तो आई कैन से दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। ऑल्सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर नॉर्मल टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन। अभी मैं बहुत दिन पहले इसको यूज़ करती थी तो इसको यूज़ करने के बाद फेस ड्राई होता है या फिर नहीं वो मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स जो कि है रोज़ वाटर। अगर आप मुझे मेरी बंगाली ब्लॉग से फॉलो करते हो देन यू माइट नो दैट मुझे रोज़ वाटर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके वजह से मुझे ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी दिनों से यूज़ करना था एंड एट लास्ट मैंने इसको बाई किया। दिस इज नन अदर देन गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर। मैंने इसको दो बार आई गेस यूज़ किया है और मुझे अच्छा लगा एंड आई पर्सनली थिंक दैट रोज़ वाटर नॉर्मल टू ऑयल स्किन के लिए बेटर होता है क्योंकि रोज़ वाटर अप्लाई करने के बाद फेस ड्राई फील होता है। तो ड्राई स्किन के लिए आई डोंट थिंक इट कैन बी अ गुड ऑप्शन बट एवरी वन हैज़ डिफरेंट चॉइसेस। तो मेरा पर्सनल चॉइस यही है क्योंकि मेरी फेस तो रोज़ वाटर लगाने के बाद काफ़ी ड्राई फील होता है बट आई लाइक द रिफ्रेशमेंट दैट इट गिव्स सो आई लाइक द प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने और एक स्किन केयर प्रोडक्ट लिया है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन। दिस इज हिमालया टैन रिमूवल ऑरेंज फेस स्क्रब। इट क्लेम्स दैट इट विल रिमूव योर टैन। तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग ये देखने में कि क्या ये रिमूव करता है हमारा टैन या फिर नहीं। तो मैंने तो अभी तक इसको यूज़ किया नहीं है। करने के बाद मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मेरी रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अगर मुझे अच्छा लगता है देन आई विल डेफिनेटली यूज़ ऑल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रेंज एंड मैं आपके साथ जरूर रिव्यू शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट मैंने क्या लिया है? नेक्स्ट मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला है जो कि है ये। दिस इज़ गुड वाइब्स एलोवेरा जेल। दिस इज़ अ स्मॉल ट्रैवल किट। अगर आप पर्पल से शॉपिंग करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग ऐसे कुछ फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, तो नेक्स्ट मैंने और एक फेस वॉश लिया है क्योंकि मुझे ये ट्राई आउट करना था और मुझे रिव्यू भी शेयर करना था। तो ये जो है दिस इज़ अरोमा मैजिक ग्रेप फ्रूट फेस वॉश। दिस इज़ फॉर स्किन लाइटनिंग एंड पोर टाइटनिंग। सो लेट्स सी ये कैसा काम करता है। मैंने अभी तक इसको ओपन भी नहीं किया है। बाहर एक प्लास्टिक का रैप है। तो गाइस नेक्स्ट मैंने दो जेल्स लिया है। जैसे कि हम लोग एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं वैसे ही पर्पल पे आपको काफ़ी तरह के जेल्स मिल जाते हैं जैसे कि ऑरेंज जेल, पपाया जेल, ग्रेप फ्रूट जेल, पॉमीग्रेनेट जेल, ब्ला 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 बहुत कुछ मिलता है। तो उसमें से ही मैंने दो लिया है। द नंबर वन इज़ ऑरेंज जेल। दिस इज़ गुड वाइब्स ऑरेंज जेल। मैंने इसको इससे पहले एक बार यूज़ किया था और वो मुझे ठीक ठाक लगा था एंड दैट्स वाई मैंने इसको और एक परचेज किया है। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर ऑयली स्किन पीपल स्पेशली इन द समर सीजन बट विंटर के लिए आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल क्योंकि ये मेरे स्किन पे तो विंटर में एकदम सूट नहीं करता है बिकॉज विंटर में मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो इसको मैंने लिया है। दिस इज ऑफ 100 ग्राम एंड ऑल्सो मैंने एक पपाया जेल लिया है। दिस इज ऑफ 300 ग्राम। तो ये जो पपाया जेल है इसका भी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक इसमें कुछ कलर एडिड है। आई डोंट नो अबाउट दिस बट स्मेल काफ़ी अच्छा ही लगता है। ऑल्सो गुड वाइब्स के सभी प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, क्रुएल्टी फ्री होता है। इन सारे जेल को यूज़ करने के बाद
आप ये मत सोचना कि आपका जो एक्ने है, पिंपल है या फिर जो एक्ने मार्क्स है वो दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ये आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज ही करेगा। आई थिंक मैंने आपके साथ सभी स्किन केयर आइटम्स शेयर ऑलरेडी किया है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मेकअप आइटम्स जो मैंने लिया है, क्योंकि मुझे ये ट्राई आउट करना था। तो जो सबसे पहला आइटम है वो है एक ऑरेंज करेक्टर, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड NYBA। NYBA एक बहुत ही अभी फेमस ब्रांड हो चुका है, स्पेशली इन द अफोर्डेबल रेंज, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट्स है वो 100 रुपीज़ के अंदर भी होता है एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स 200 रुपीज़ के बीच में ही होता है, 100 से 200 रुपीज़ के बीच में। तो ये जो ऑरेंज करेक्टर है, इसका जो पैकेज है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। सो एज यू कैन सी दैट ये ऐसा एक मैट ब्लैक पैकेजिंग में आता है, लिपस्टिक जैसा होता है वैसे ही है इसका पैकेजिंग, बुलेट पैकेजिंग, एंड ऐसे आपको यूज करना होगा यहाँ से। मुझे एक ऑरेंज करेक्टर बहुत दिन से लेना था, बट क्योंकि मुझे उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है तो इसकी वजह से मैं डिले करती रही, बट एट लास्ट आई गॉट इट एंड कैसा मुझे लगता है वो मैं आपके साथ मेरी जो मेकअप वीडियोज आएगा उसमें जरूर शेयर करूंगी। तो ये रहा ऑरेंज करेक्टर, देन मैंने लिया है 4 लिपस्टिक्स। तो वहां पे चल रहा था एक अच्छा ऑफर, जहाँ पे अगर आप एक लिपस्टिक परचेस करते हो, दिस इज NYBA लिक्विड लिपस्टिक, तो आपको एक और लिपस्टिक फ्री मिलता है एंड आपको पे करना होगा जो MRP है एक लिपस्टिक का 196 रुपीस आई गेस, उसमें आपको दो लिपस्टिक मिल जाते हैं। आपको कैसे परचेस करना है, उसके लिए आपको पहले अपना जो मनपसंद की शेड है वो चूज करके ऐड टू कट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट की प्राइस डिडक्ट हो जाएगा। बट आई थिंक ये ऑफर अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट डोंट वरी, वो लोग ऐसे ऑफर्स बहुत ज़्यादा देते हैं एंड मंथ पे तो आई थिंक हर दिन ही इनका कोई ना कोई ऑफर चलता ही रहता है। तो मैंने टोटल 4 लिपस्टिक्स लिया है क्योंकि मुझे एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो शेयर करना है आप लोग के साथ। ऑल्सो मैं आपके साथ उस वीडियो पे शेयर करूंगी कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, बट आई थिंक मुझे आज की इस वीडियो पे शेड जरूर शेयर करना चाहिए आपके साथ। तो मैंने जो जो शेड लिया है वो है शेड नंबर 12, शेड नंबर 11, देन आई ऑल्सो टुक शेड नंबर 33 एंड शेड नंबर 48, बस यही कुछ मैंने लिया है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दी हॉल, मैंने इतना ही कुछ लिया है इस बार क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं था मेरे पास, दैट्स वाई मैं बहुत कुछ नहीं ले पाई। ऑल्सो मैं जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपको ज़रूरत है वही सिर्फ आप परचेज कीजिए, हॉल देख रहे हो इसके मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप परचेज करो, जो आपको नहीं चाहिए वो भी आप परचेज करो, ये एकदम नहीं है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। ऑल्सो अगर आप कोई भी वीडियो सजेशन देना है देन डू लेट मी नो इन दी कमेंट डाउन बिलो, मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने के लिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे, मुझे पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।